हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्रीन थम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोकेडामा बनाना सिखाऊंगी। कोकेडामा विच इज़ अ जैपनीज आर्ट ऑफ स्टाइलिंग विद द प्लांट्स इन विच अ परफेक्ट प्लांट इज चोजन एंड द रूट बॉल ऑफ विच नीड्स टू बी इनक्लोज्ड इन अ मॉइस्ट बॉल ऑफ सॉयल। और उसके ऊपर हम लोग फिर उसे मॉस से, फ्रेश मॉस मिले तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन टेक स्फैग्नम मॉस और किसी भी रोप से भी उसे टाई अप करके और हम इसे एक बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। यू कैन टाई अ रोप एंड हैंग, यूज इट फॉर हैंगिंग या फिर टेबल डेकोरेशन के लिए इस तरह से आप किसी डिश में या बोल में सजा कर रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। प्लीज़ स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो जहां मैं आपको इन्हें बनाने के बाद कैसे इनकी केयर की जाए उसके बारे में टिप्स बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट बाई कलेक्टिंग सम फ्रेश मॉस। ये राइट टाइम है, मानसून के टाइम पर आप इसे आसानी से कहीं भी दीवार पर या गार्डन वगैरह में ला सकते हैं। कलेक्ट दीज टाइप ऑफ चंक्स ऑफ मॉस। यहाँ पर मैंने प्लांट जो लिया है वो फिलोडेंड्रॉन है, आप इसके जगह पर पॉथोस या एग्लोनीमा या सिंगोनियम कोई भी फर्न ले सकते हैं। मॉस लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि थोड़े बड़े टुकड़े मिले तो अच्छा है। अब ये मिट्टी में मैंने गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट में लाया है और इसमें थोड़ी सी मैंने ये मॉस मिला रही हूँ इन ऑर्डर टू कीप द सॉइल मॉइस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसे एक अच्छा सा पानी डालकर डो बनाना है। कोकेडामा इज़ बेसिकली अ क्ले बॉल इन विच वी ग्रो अ प्लांट। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि वो क्ले बॉल जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहे। इसके लिए मैंने इसमें ड्राई मॉस भी थोड़ा ऐड किया है और कंपोस्ट के साथ, ताकि वो आगे उसमें एक नमी हमेशा बनी रहे जिससे वो मॉइस्चर प्लांट्स जो हैं वो आसानी से ले सकें। तो ये बॉल बनाते समय भी ध्यान रखें कि इट शुड बी अ वेरी स्मूथ बॉल और बॉल का साइज़ उतना बड़ा हो जाए जितना वो रूट बॉल का साइज़ है, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हो जाए। उसके बाद फिर उसे हम लोग इस तरह से बीच से हल्के से प्रेस करके और बीचों बीच सेपरेट करते हैं और उसके अंदर फिर वो प्लांट की जो रूट बॉल है उसे अच्छे से डालते हैं। वी शुड टक इट प्रॉपरली फ्रॉम ऑल साइड्स ताकि रूट्स बाहर ना निकले। I am using a cotton cloth for this. आप इसकी जगह एक सुतली या रोपी यूज़ कर सकते हैं कॉटन की। ट्राई टू अवॉइड एनी आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटीरियल क्योंकि फिर बाद में वो ख़राब कर देते हैं इसे। अगर इस तरह से फ्रेश मॉस आप अवेलेबल ना हो जो कि यूजुअली मॉनसून्स के बाद नहीं मिलते हैं, तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ स्फैग्नम मॉस। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो मॉस हम लोग इसके कवरिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक पतली सी शीट नीचे डालकर और फिर उसके अंदर इस पूरे बॉल को कवर कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मॉइस्ट इट ऑलवेज, हमेशा एक मॉइस्चर उसे देते रहना होगा। Now, Kokedama is a beautiful form of styling with the plants and I would definitely like you all to make one for yourself. इनके केयर टिप्स के बारे में कुछ बातें हम लोग कर लें। पहली बात तो ये कि चूज़ अ प्लांट विच लव्स मॉइस्चर।
दूसरी बात, नेवर लेट द बॉल ड्राई टू मच। अगर प्लांट के क्रिस्प एजेस दिख रहे हैं या हल्की क्रैक्स दिख रही है बॉल में, तो दिस इज़ द टाइम टू वाटर इट। उसके लिए किसी भी एक बर्तन में पानी को डालकर और फिर उसमें ये पूरी मॉस बॉल को डिप करके रखें। प्लांट ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इसे 15 से 20 मिनट तक इस तरह से रखने के बाद फिर उसे निकाल कर, एंड देन यू कैन स्क्वीज आउट द एक्स्ट्रा वाटर एंड कीप ऑन द प्लेट। ऐसे कर पानी डालते समय कभी कभी 15 से 20 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल दें, तो उनकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो सप्लीमेंट है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा फिर इस पर टाइम टू टाइम मिस्टिंग भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत ही खुली हवा या तेज़ धूप में ना रखें, थोड़ी मॉइस्ट कंडीशन में रखें। होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो एज मच एज आई डिड मेकिंग दिस कोकीडामा। और अगर इस वीडियो की कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.